Dear student, today our topic is practical problem on reconciliation of cost and financial accounts. Reconciliation of cost and financial account is the topic of cost accounting, and cost accounting is the part of BCom second year paper of CCS University. Before starting the reconciliation of cost and financial accounting, मेरा आप सभी स्टूडेंट से हर बार की तरह इस बार फिर से निवेदन होगा कि आप सभी स्टूडेंट अपने घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए. और जैसा कि आज COVID-19 जैसी महामारी पूरे देश में फैली हुई है और इस महामारी से अपनी आपको अपने परिवार को अपने समाज को बचाइए और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए सभी को जागरूक कीजिए. और हमारे डॉक्टर और हमारे सरकार ने जो गाइडलाइन बताई है उनको पालन कीजिए और बाकी सभी लोगों को भी पालन करने के लिए जागरूक कीजिए. जैसा कि आप सभी स्टूडेंट युवा पीढ़ी है तो युवा पीढ़ी चूँकि किसी भी देश का स्तंभ होती है तो ये आपका और भी ज़्यादा कर्तव्य हो जाता है कि आप इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करें. और स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. और जैसे कि आपको पता है इससे पहली वीडियो में मैंने रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स की थ्योरी स्टार्ट कराई थी. उस थ्योरी के एस्पेक्ट क्लियर करा दिए थे और उसके बारे में प्रॉब्लम भी आपसे डिस्कस की थी. कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से बाद में फ़ोन पर प्रॉब्लम पूछी, वो भी उनकी डिस्कस कर ली गई थी. आज इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को शुरू करते हैं. तो आइए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन reconciliation of cost and financial accounts. So let's start. Here is the question. From the following particulars prepare a statement of profit as per cost book. एक तो हमें cost book के according profit निकालना है, profit and loss account बनाना है एंड ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. तीन पार्ट में ये टॉपिक है, क्वेश्चन है और इसके तीनों पार्ट को करना है. एंड हेयर इज द इंफॉर्मेशन गिविन. रॉ मटीरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेल प्राइस. वर्क्स ओवरहेड इज 100% ऑन लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट. दीज बोथ आइटम रिलेटेड टू कॉस्ट शीट. सो स्टूडेंट स्टार्ट द कॉस्ट शीट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. सबसे पहले आप देखिए कि मटीरियल हमारा है 14,600, वेजेस 23,200. तो सबसे पहले हमने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको से सबसे पहले आप देख रहे हैं मटेरियल हमने 14,600 का ले लिया, वेजेस 23,200 की. तो हियर इज द प्राइम कॉस्ट 37,800. अब क्वेश्चन में कहा गया है वर्क ऑन ओवरहेड 100% ऑन लेबर. लेबर आपके दिखाई दे रहे हैं 23,200, इसका 100% सेम ले लेंगे. अब ये इसमें जोड़ दिया तो आ गई वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट के बाद इन्होंने कहा है ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट आपकी 12,200, वर्क कॉस्ट 61,000 आ गई. और ऑफिस ओवरहेड
20% और वर्क कोर्स 61,000 का 20% लेंगे जो 12,200 आ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट जो आपकी 73,200 आ गई और सेल्स हमारी 88,400 है। तो हियर इज द प्रॉफिट 15,200 ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट के आधार पे हमारा प्रॉफिट 15,200 रुपये आ गया। आगे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड जो कि क्वेश्चन में दिया है 14,200 ले लिया। इसके बाद वेजेस 23,200 दी हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 22,840 और ऑफिस एक्सपेंसेस 12,420। सेल्स दी है 88,400। सेल्स में से ये सारे खर्चे घटाए तो प्रॉफिट आ गया 15,340 रुपी। तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल बुक प्रॉफिट। कॉस्ट बुक प्रॉफिट 15,200 एंड फाइनेंशियल बुक प्रॉफिट 15,340। अब इस दोनों प्रॉफिट के अंतरों को चेक करते हुए हमें बनाना है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आइए इसका हम बनाते हैं रिकॉन्सिलेशन। पहले आप देख रहे हैं कि यदि रॉ मटेरियल की बात करें तो दोनों में 14,600 है, वेजेस दोनों में सेम 23,200 है। सबसे पहले फ़र्क ऑफिस ओवरहेड, एक वर्क ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड का है, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड का। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट इसमें हम कैश बुक के आधार पर लेते हैं जैसे कि थ्योरी में आपको बताया था। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हमारा प्रॉफिट है 15,200, तो 15,200 ले लिया एज पर दी कॉस्ट बुक। अब आप देख रहे कॉस्ट बुक में वर्क एक्सपेंसेस हमारे दिए गए हैं 23,200 और ये वर्क एक्सपेंसेस जो कि फाइनेंशियल बुक में दिए हैं वो 22,840। तो फाइनेंशियल बुक में खर्चे कम हैं, कॉस्ट बुक में ज़्यादा हैं। कॉस्ट बुक में खर्चे ज़्यादा होने से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा हो, कॉस्ट बुक में खर्चे ज़्यादा होने से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कम हो रहा होगा, अतः इसे जोड़ देंगे। ऐड कर दिया वर्क ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट, तो वापस इसको जोड़ दिया। अब दूसरा खर्चा देखें, ऑफिस ओवरहेड 12,200 इन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक 12,420। तो आप देख रहे 12,200 और 12,420, 220 रुपये का खर्चा कॉस्ट बुक में कम दिया हुआ है, तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, उससे घटा देंगे। ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट 200 रुपये, पहली एंट्री ऐड करी दूसरी माइनस करी और इन्हीं दो एंट्रियों में अंतर था। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 15,340 आ गया और ऊपर 15,200। तो आप देख रहे 15,200 कॉस्ट शीट का लिया था, उसमें एडजस्टमेंट करके फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट हमारा आ गया। तो स्टूडेंट ये था एक क्वेश्चन आपका जो कि हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन हमारा था रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक का। इसकी थ्योरी हमने पहले कराई, आज ये क्वेश्चन कराया। इसके साथ साथ आइए आगे अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले ही बताया और आप फिर बता रहा हूँ, आप कॉस्ट बुक को माइंड मेकअप कर लीजिए और ये देख लीजिए कि कॉस्ट बुक में क्या
किया गया है। अगर कॉस्ट बुक में किसी अमाउंट के कारण से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो घटा दीजिए, घट रहा है तो बढ़ा दीजिए। बस ये ही दो आपको फॉर्मूले अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द परसेंटेज ऑफ ईच आइटम ऑफ कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, कैलकुलेटिंग फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एट 25% ऑन प्राइम कॉस्ट एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट एट 75% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ए स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट विद द शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड The selling price is fixed at cost plus 25%. तो पहले हम cost sheet तैयार करेंगे। cost sheet तैयार करें या PL account, जैसा भी चाहें। PL account की सारी information हमारे सामने है इस पर, तो हम वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फाइनेंशियल बुक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमने लिया है 4000, उसके बाद फिनिश आर्टिकल 8000 का ओपनिंग स्टॉक 8000 ले लिया, उसके बाद दोनों की क्लोजिंग स्टॉक 6000 2000 क्रेडिट की तरफ लिख लिए। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 24,000, वेजेस 10,000, सेल्स 65,000, वर्क्स एक्सपेंसेस 7,750 एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 6,100। अब इसका जब टोटल किया तो हमारे सामने नेट प्रॉफिट आ गया 13,150 ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल बुक। एंड नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट शीट। आप कॉस्ट शीट भी पहले बना सकते हैं, फाइनेंशियल भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे 4000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल यूज 22,000 आ गया, उसके बाद वेजेस हमारी 10,000 है वो ले ली, ये हमारे सामने प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद इन्होंने जैसे कि क्वेश्चन में बताया है फैक्ट्री कॉस्ट 25% है, ऑफिस कॉस्ट 75% है, इस बेस पे ये कॉस्ट हम लेंगे। अब हमें लेनी है एड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आप देख रहे हैं, प्राइम कॉस्ट हमारी पिछले पेज पर हमने निकाली थी, वो आ गई है 32,000 और 32,000 का फैक्ट्री कॉस्ट 25% ऑन प्राइम कॉस्ट 8,000 आ गई, वर्क कॉस्ट आ गई 40,000, ऑफिस ऑन कॉस्ट 75% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 8,000 है, 8,000 का 75% लेंगे 6,000, ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो दिया है वो ऐड करेंगे,
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड करेंगे, घटा दिया जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 52,000 और सेल है 65, तो प्रॉफिट आ गया 13,000। एंड नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, मटेरियल टोटल कॉस्ट पर 47%, वेजेज टोटल कॉस्ट पर 21%, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 17.39% और ऑफिस ऑन कॉस्ट 6,000 है 46%। सभी कॉस्टों की परसेंटेज जो पूछी गई है वो टोटल कॉस्ट पे वो हमने निकाल दी। अब आप देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कॉस्ट शीट के बेस पर 13,000 है और फाइनेंशियल बुक पे अलग है। अब हमें देखना है इन दोनों का रिकॉन्सिलेशन बना करके, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, किन कारणों से है और उन्हें हमें सही करना है। तो पहले देखते हैं कॉस्ट शीट के बेस, वो कॉस्ट शीट के बेस पे प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट हमने जैसे बताया था कॉस्ट शीट के बेस पे लेंगे, तो कॉस्ट शीट के बेस पर आपका प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 13,000, 13,000 रुपये का हमारा ये प्रॉफिट यहाँ पर आपके सामने आ गया है। अब देखते हैं कौन से खर्चे जो अलग हैं। पहले मटेरियल और वेजेस दोनों में सेम थी, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट देखते हैं दोनों में क्या दी गई है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 7,750 है और यहाँ पर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है 8,000। तो आप देख रहे हैं 250 रुपये कॉस्ट शीट में ज़्यादा दी गई है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट कम हो रहा होगा, अतः ये ऐड कर दिया जाएगा। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, तो ये 250 जोड़ दिया। अब देखते हैं ऑफिस ऑन कॉस्ट के बारे में क्या कहा गया है। अब देखते हैं ऑफिस ऑन कॉस्ट के बारे में क्या कहा गया है। ऑफिस ऑन कॉस्ट देखें तो यहाँ पर 6,000 हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल बुक में ये दी गई हैं 6,100, फाइनेंशियल बुक में 6,100 और कॉस्ट शीट में दी गई हैं ये 6,000, तो 100 रुपये कम हैं कॉस्ट शीट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, अतः ये 100 रुपये से माइनस कर दिया जाएगा। ऑफिस ओवर हेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट शीट तो माइनस कर देंगे, तो 13,000 में जो प्लस किया गया है 250 और माइनस किया गया 100, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 13,150 आया है। और यदि देखें तो 13,150 यहाँ पर प्रॉफिट हमारे सामने था 13,150 और उस कॉस्ट शीट के प्रॉफिट से, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट 13,000 था, उसे लेके 13,150 से मिलान हो गया। जिन दो खर्चों में डिफरेंस था उन दोनों का ही हमने आपस में मिलान कर दिया। आप देख रहे केवल फैक्ट्री ओवर हेड ऑफिस ऑन कॉस्ट में ही डिफरेंस था कॉस्ट शीट में और फाइनेंशियल बुक में, बाकी सभी खर्चे दोनों में सेम थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको कराया जिसमें कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस आ रहे थे उन दोनों डिफरेंसेस को देखते हुए उनके कारणों की जांच करके उनके आधार पर क्वेश्चन सोल्व करा। इन दोनों क्वेश्चनों में खास बात ये थी कि इसमें हमने कॉस्ट शीट भी बनाई, कॉस्ट शीट के साथ साथ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया, फिर इनके कारणों की जांच की गई और जांच में जो कारण डिफरेंसेस के थे उन डिफरेंसेस को रिकॉन्सिलेशन में ऐड या लेस करने के बाद दोनों के प्रॉफिट को आपस में मिला दिया गया। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने बताया है, आप इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे बाकी क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए और बाकी अगर किसी और प्रॉब्लम, बाकी कोई और प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए। अब अगली वीडियो में मैं आपके वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कॉस्ट शीट का प्रॉफिट भी दिया है और कॉस्ट शीट के प्रॉफिट के साथ साथ फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट भी दिया है और वे कुछ कारण बता दिए गए हैं जिनकी वजह से अंतर आया है, तो उन क्वेश्चन में डायरेक्ट सीधे रिकॉन्सिलेशन बनाना होगा। यहाँ हमने कॉस्ट शीट भी बनाई, यहाँ हमने फाइनेंशियल बुक भी बनाई, रिकॉन्सिलेशन भी। ये क्वेश्चन अगर इस तरीके का पेपर में आता है तो पूरे 15 नंबर का आएगा और बाकी क्वेश्चन जिसमें केवल रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है वो क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तो स्टूडेंट, आप अपने इन क्वेश्चनों की तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।